हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ वेरी न्यू सेशन। आई थिंक आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। क्या आपको मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों एकदम क्लियर आ रही हैं? प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? आज थोड़ा सा सेटअप आपको बेटर लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा? ओके, सो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि आपका भले ही सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, यानी आपके कोर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, जो आपके बीएड के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, कोई और एग्ज़ाम हो, तो फॉर्मेटिव वर्सेज समेटिव असेसमेंट, ठीक है? फॉर्मेटिव वर्सेज समेटिव, तो ये आपका बहुत बड़ी डिबेट है और बहुत बड़ा जो एक टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। आप सीटेट दें, अपने स्टेट का टीईटी दें, या फिर कोई और टीचिंग का एग्ज़ाम दें, वो एनवीएस हो। वेरी गुड इवनिंग, यस यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है क्लास में। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एनवीएस का हो, केवीएस हो, ठीक है, तो उनमें आपका समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट एक छोटा सा डेफिनेशन या फिर डिफरेंस तो पूछ ही लेगा, और उसके अलावा जहाँ पर भी आपकी पैडागोजी पूछी जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, समेटिव वर्सेस फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है? सो शुरू करते हैं, फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव। उससे पहले हमने पढ़े थे इवेल्यूएशन के बारे में, लास्ट क्लास में अगर आप थे तो हमने इवेल्यूएशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप उस क्लास में थे, अगर आप नहीं थे तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जो है पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख लें। इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर भी करते चलें, क्लास को जल्दी से लाइक और शेयर भी करते चलें इस वीडियो को। वॉइस और वीडियो मेरी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मुझे बता दीजिएगा कोई भी अगर प्रॉब्लम वीडियो में, ऑडियो में कहीं पर आती है। आज हम कोशिश करेंगे कि नोट्स भी साथ में बनाए जाए, ठीक है? नोट्स भी आप साथ में बनाते चलिएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, जब भी मेरी क्लास होगी मेक श्योर कि आप कॉपी पेन अपने साथ रखें, जिसमें कि हम नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि यही आपके अल्टीमेटली काम आएंगे एग्ज़ाम में। चलो फिर, अच्छा एक और चीज़, हमने इवेल्युएशन के बारे में पढ़ा था, तो उसके कुछ स्टेप पढ़े थे, याद है किसी को? इवेल्युएशन के स्टेप्स पढ़े थे हमने, तो छोटा सा रिवीजन उसका कर लेते हैं, देन उसके बाद हम सीधा आगे बढ़ेंगे फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट इवेल्युएशन ही है। व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन ओनली ना। हमने इवेल्युएशन में क्या पढ़ा था? दो होते हैं, एक तो आपका, यस गुड इवनिंग, दो होते हैं, एक हमारा क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, ठीक है? क्वांटिटेटिव असेसमेंट और क्वालिटेटिव असेसमेंट, तो दो चीज़ें हमारे पास थी, इन दोनों को ही हम जब ऐड कर देते हैं तो बोलते हैं इवेल्युएशन, ठीक है? सो दिस वाज इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन में ही हम आगे चलें तो हमारे पास दो अलग अलग टाइप के, जो क्वांटिटेटिव में मैं बात करूँ, क्वांटिटेटिव में बात करूँ, जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है, इसी के अंदर दो टाइप के हमारे पास, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, दो तरह के असेसमेंट पाए जाते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे एक इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा कि फॉर्मेटिव और समेटिव किस तरह के असेसमेंट है, क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, तो मेक श्योर क्वांटिटेटिव होंगे, ठीक है? क्वांटिटेटिव वाले ऑप्शन को आप ज़रूर से टिक लगाइएगा। सो समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट किस तरह के आपके पास इवेल्युएशन मेथड्स हैं, दीज आर द इवेल्युएशन मेथड, ठीक है? आप कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो उसका इवेल्युएशन करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे, तरीका अलग अलग हो सकता है दोनों में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऑडियो मेरी थोड़ा, वीडियो थोड़ी जिटर कर रही है? इज इट लैगिंग? ये सिर्फ मेरे उसमें हो रहा है। इज इट लैगिंग लाइक दिस? आई थिंक
बोझ मतलब क्या? कोई नहीं, चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर ही रहा, ठीक है, बट इट्स ओके, आप नोट साथ में बनाते चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वांटिटेटिव में उसके अंदर आपका समेटिव और फॉर्मेटिव दोनों, यस बोथ, दो के दो आपके क्वांटिटेटिव में ही आएंगे, क्वालिटेटिव में नहीं आएंगे। क्वालिटेटिव में हमने क्या पढ़ा था? क्वालिटेटिव में हमने पढ़ा था वैल्यू जजमेंट, ठीक है, क्वालिटेटिव में हमने पढ़ा था वैल्यू जजमेंट, और क्वांटिटेटिव के अंदर आएंगे असेसमेंट, ये दोनों चीज़ें जो थी। चलो फिर, तो जो मेन मुद्दा है हमारी क्लास का आज, वो है फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम कल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे, आपके जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम कल से स्टार्ट कर देंगे, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट की, उसके बाद हम बात करेंगे समेटिव असेसमेंट की, और फिर हम दोनों के बीच में कंपेरिजन ड्रॉ करेंगे, एक टेबल हम बनाएंगे लास्ट में, जिसको आपने फाइनली बना लेना है, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जो आपके कोर्स जब चल रहा है, आपकी क्लासेस चल रही हैं, वेल रनिंग द कोर्स, जब आप एक असेसमेंट लेते हैं, जब आप एक इवेल्यूएशन करते हैं बच्चों का क्लास के बीच में, मतलब कि जो आपका पूरे साल भर का, मान लीजिए मार्च में आपका सेशन स्टार्ट हो गया, मिड सेशन जो आप असेसमेंट्स, मिड सेशन आप जो इवेल्यूएशन करते हैं टाइम टाइम पर, मार्च से लेकर नेक्स्ट या अप्रैल से लेकर नेक्स्ट मार्च तक आपका पूरा सेशन चला, इस सेशन के बीच बीच में जब आप यहाँ पर इवेल्यूएशन करते चलेंगे, तो दीज आर नोन एज द फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, ठीक है, पूरे सेशन के दौरान बीच बीच में आप जब असेसमेंट करते चलेंगे, दीज आर नोन एज द फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी, जब भी आप असेसमेंट पढ़ोगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होगा दोनों के बीच में, डिफाइनिंग फैक्टर, दैट इज द पर्पस, उद्देश्य क्या है उसका, ठीक है, उस असेसमेंट का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है। भले ही हम बात करें समेटिव असेसमेंट की या फॉर्मेटिव असेसमेंट की, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर उनका गोल क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, गोल, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, कुछ भी लिखा आप को आपके सामने आ सकता है। तो बात करें फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव की, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि सेशन के बीच बीच में लेंगे हम, कब लेंगे, एक ऑप्शन आपके पास आता है कि जब चैप्टर हम शुरू करने वाले होंगे, देखो सीटेट का एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस तरह का, कि ये ऑप्शन बोलता है कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट लेंगे चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है, देन आपसे बोलता है आफ्टर एंडिंग द चैप्टर, आफ्टर एंडिंग द चैप्टर, ध्यान देना एंडिंग द सेशन नहीं बोल रहा हूँ, एंडिंग द चैप्टर बोल रहा हूँ, आफ्टर एंड ऑफ चैप्टर, चैप्टर या फिर यूनिट मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत है, सी एंड ऑफ सेशन, तीसरा आपसे बोलेगा एंड ऑफ सेशन, ठीक है, यस एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी लोग क्लास में, प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि क्लास को, वीडियो को आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक हमारी क्लास पहुँच सके। ओके चलिए, तो एंड ऑफ सेशन या डी, नन ऑफ द अबव, बताइए आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कब लेते हैं, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक और द यूनिट, आफ्टर एंड ऑफ द यूनिट, एंड ऑफ द सेशन, या फिर नन ऑफ द अबव, आप इनमें से कब फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं? सही आंसर है इसका आफ्टर एंड ऑफ द चैप्टर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट चैप्टर शुरू होने से पहले आता है या चैप्टर ख़त्म होने के बाद आता है। तो जब भी हम कोई यूनिट पढ़ाते हैं, सपोज़ मैंने आपको पढ़ाया इवेल्यूएशन के बारे में, मान लीजिए मैंने आपसे इवेल्यूएशन के बारे में पढ़ाया, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको इवेल्यूएशन, बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन, आपको इवेल्यूएशन के बारे में समझ में आया या नहीं आया, तो मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूँगा, ध्यान दीजिए छोटा सा वर्ड में बोल रहा हूँ, एक छोटा सा टेस्ट जिसमें सिर्फ उतना ही आएगा जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, कोई बड़े लेंथ का टेस्ट नहीं है, छोटा सा टेस्ट है, तो छोटा सा टेस्ट, एक छोटा सा टेस्ट है, एक छोटा सा टेस्ट है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, कौन सा बड़ी लेंथ का होता है, कौन सा छोटी लेंथ का होता है, ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है, ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट होता है,
आफ्टर एंडिंग ऑफ द यूनिट। अब पर्पज जैसा कि मैंने बोला, पर्पज क्या होगा इसका, टू इन्हेंस, लिख लीजिए इसका पर्पज टू इन्हेंस टीचिंग लर्निंग मेथड। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है भाई, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, एग्जाम पास करना, सीटेट का जो एग्जाम होने वाला है उसको क्वालिफाई करना, तो उसके लिए हम ये भी देखते चलेंगे क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में से, टू इन्हेंस टीचिंग लर्निंग मेथड। अब मैंने दो वर्ड यूज़ किया टीचिंग लर्निंग, सिर्फ टीचिंग नहीं बोला, सिर्फ लर्निंग नहीं बोला, तो इसका मतलब ये जो इवेल्युएशन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये टीचर के साथ साथ बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी बच्चों के साथ साथ टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टीचर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, सपोज मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, इसी का एग्जाम्पल ले लो, इवेल्युएशन मैंने पढ़ाया, आकलन जो कि टॉपिक का नाम है, मैंने आपको आकलन पूरा पढ़ा दिया, कंप्लीट कर दिया। अब मुझे पता चला कि जब मैंने टेस्ट लिया तो बच्चों के तो मार्क्स ही नहीं आए, जब मैंने टेस्ट लिया तो मुझे तो ये पता चला कि बच्चों के मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँगा, मैं बच्चों के लिए तो चेंज कुछ करूँगा ही, अपने खुद की मेथड में भी कुछ चेंज करूँगा, जो मेरी टीचिंग मेथड्स होंगी मैं उसमें भी तो कुछ चेंज लाऊँगा, ताकि मुझे जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट लूँ तो चेंज दिखे कोई उस रिजल्ट में जो रिजल्ट आया मेरे पास। मैंने टेस्ट लिया, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं क्या करूँगा, आई विल मेक श्योर कि जो मैं पढ़ाने का मेथड है वो बेस्ट हो, जिससे कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो सिर्फ टीचिंग नहीं आपके, यानी सिर्फ लर्निंग नहीं, टीचिंग में भी चेंज होगा, ठीक है। और ये किस तरह का इवेल्युएशन होता है, दिस इज़, अगर इसके मैं फीचर्स की बात करूँ, इसका एक प्रॉपर्टी बताऊँ, तो किस तरह की जो प्रॉपर्टी है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस इवेल्युएशन। कंटिन्यूस यानी निरंतर चलता रहता है, ठीक है। निरंतर का मतलब क्या है कि एक बार नहीं हो रहा है कि साल में एक बार टेस्ट ले लिया और बात खत्म, चार चार बार होता है। हमको याद है कि हमारा टाइम पे FA1, FA2, FA3, FA4 ऐसे करके फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ करते थे, जो यूनिट टेस्ट होते हैं। FA1 और FA2 आपका हाफ ईयरली से पहले, उसके बाद यहाँ पर हाफ ईयरली होता है, हाफ ईयरली को हम SA1 भी बोलते हैं, ऐसे बोले तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है अभी पढ़ेंगे। फिर आते हैं FA3, FA4, तो इस तरह से अलग अलग टाइम पर आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता रहता है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस इवेल्युएशन है। पर्पस, एक और पर्पस इसका, मेन पर्पस, टू डायग्नोज। डायग्नोज का मतलब क्या है कि आपको, जैसे मान लो कभी बीमार हुए तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं कि जो है डॉक्टर साहब नहीं बोलते, हमारे वाले बोलते हैं डॉक्टर साहब, इंडिया में ऐसे डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर थोड़ी बोलते हैं, अरे डॉक्टर बोलेंगे तो इंडिया में डॉक्टर बोलेंगे तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी, अरे डॉक्टर बोले, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कि वो डॉक्टर साहब हो जाते हैं, बोले कोई बीमारी हुई तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। कैमरे की बैटरी डाउन हो गई, एक मिनट। So now everything is fine. I am visible now. Yes. Yes. This is assessment for learning. ये बीच बीच में कभी कभी हो जाता है ऐसा। यस, नाउ आई एम विजिबल, ठीक है।
ये डायग्नोस डायग्नोस कर, मतलब क्या बता रहा था मैं कि जब कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास, और उनको अपने अपनी जो है कंडीशन बताते हैं कि मुझे ये चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है हमारी प्रॉब्लम को, हमारे प्रॉब्लम को पहचानता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई क्या है। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज द डायग्नोसिस। तो डायग्नोस करना मतलब हम अपनी परेशानियाँ, बच्चों की जो परेशानियाँ हो रही है पढ़ते टाइम, उसको पता लगाते हैं, उसके लिए यूज़ होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई, डायग्नोसिस हो गया है, तो प्रॉब्लम के बाद क्या करता है टीचर, नहीं वो डॉक्टर क्या करता है, एक दवा देता है ना कि जो बोले जो है इसको 3 टाइम खाओ, एक सुबह उठने से पहले और रात को सोने के बाद, एक बार दिन में कभी भी। ठीक है, तो ऐसे 3 टाइम आपको दवा खानी है। वो क्या हुआ, उसका एक रेमेडी हुई, वो क्या हुई इसकी रेमेडी हुई। रेमेडी का मतलब होता है दवा, दवा दारू करना। ठीक है, दारू नहीं करेंगे, दवा दवा करेंगे। तो रेमेडी से बना रेमेडियल, रेमेडी से बना रेमेडियल, यानी रेमेडियल टीचिंग उसके बाद होगी। जब हमें देखो ये पूरा स्टेप वाइज देख लो, पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट, वहाँ से डायग्नोसिस, डायग्नोसिस से रेमेडियल। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। अरे काटेड़ा हो गया भाई, ठीक है, चलिए। समझ में आ गई बात, डेफिनेशन की बात करें तो टेनर एक थिंकर है। ठीक है, टेनर, अकॉर्डिंग टू टेनर, अब मेरा ये मानना है कि डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत है नहीं, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, बस आपको ये याद रखना है डेफिनेशन दी किसने है। ठीक है, टेनर एक थिंकर है, टेनर, अब इनका हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, टेनर इनका नाम है। तो इन्होंने डेफिनेशन दी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट रेफर्स टू, अब आपको नोट करना है तो प्लीज़ नोट डाउन दिस डेफिनेशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द यूज़ ऑफ टेस्ट्स। देखो ना डेफिनेशन क्यों याद नहीं रखनी आपने, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इतना तो बता दिया ना आपको कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, प्रॉपर्टी सारी बता दी। अब आपसे क्या बोलेगा, 4 चीज़ें दे देगा, बोलेगा कि ये क्या है। ठीक है, मतलब आपसे बोल देगा कि हमें प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है और उसका एक सोल्यूशन, एज अ सोल्यूशन रेमेडियल क्लासेस करनी है। तो ये किसका टाइप है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, नन ऑफ द अबव, क्या होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आपको बस ये टाइप्स याद रखने हैं, उसके प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, टेस्ट एंड अदर इवेल्युएशन प्रोसीजर्स, कहीं पे राइटिंग अगर समझ ना आए तो है नहीं पूछ लीजिएगा, प्रोसीजर्स वाइल द कोर्स, अब इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है, वाइल द कोर्स एंड इंस्ट्रक्शन, वाइल द कोर्स, अब इसको हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो लिखा दूंगा, वाइल द कोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, वाइल द कोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द यूज ऑफ टेस्ट एंड अदर इवेल्युएशन प्रोसीजर्स, द यूज ऑफ टेस्ट एंड अदर इवेल्युएशन प्रोसीजर्स वाइल द कोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज इन प्रोग्रेस। समझ आ रहा होगा आपको, टेस्ट का इस्तेमाल करना है और अदर इवेल्युएशन प्रोसीजर्स का, वाइल द कोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज इन प्रोग्रेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद यहाँ से वाइल और ये प्रोग्रेस, ठीक है, इतना याद रख लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। वाइल द कोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज इन प्रोग्रेस, यानी पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम क्या होता है, सत्र बोल सकते हैं हम, ठीक है, शैक्षिक सत्र बोल सकते हैं, सेशन बोल सकते हैं, सत्र के चलते हुए जो आपके मतलब असेसमेंट होते हैं। ठीक है, यानी आपका जो सेशन है, जो आपका सत्र है, वो चलता जा रहा है, वो कंटिन्यू है अभी, वो ख़त्म नहीं हुआ है, और आप बीच में ऐसे टेस्ट ले रहे हैं, तो दीज आर नोन एज
फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। कोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोर्स आपका पाठ्यक्रम जो सिलेबस हुआ ना, व्हाट इज कोर्स इन हिंदी? कोर्स का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या है? कार्य प्रणाली, ठीक है, या सेशन बोल दो, ठीक है, जब सेशन चल रहा है हमारा, ठीक है, सेशन चल रहा है, या फिर पाठ्यक्रम ही बोल लो, कोर्स वर्क आपका सिलेबस, सत्र या पाठ्यक्रम जब खत्म नहीं हुआ है, पाठ्यक्रम के चलते हुए, वाइल द कोर्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, सॉरी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज इन प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस में है, और हमने टेस्ट और इवेल्युएशन मेथड्स का यूज़ किया है, ठीक है, दिस इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, पाठ्यक्रम व सत्र के चलते हुए टेस्ट एवं अन्य आकलन विधियों का इस्तेमाल, इवेल्युएशन प्रोसीजर मतलब आकलन, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाऊँ ना तो कभी ऐसे एकदम सही हिंदी, एकदम शुद्ध हिंदी वाला ट्रांसलेट कर लेता हूँ, मतलब मेरा खुद का सीना चढ़ा हो जाता, क्या बात है, अरे क्या किया भाई साहब। आकलन विधियाँ, प्रोसीजर, इवेल्युएशन प्रोसीजर मतलब आकलन विधियाँ, द यूज ऑफ टेस्ट एंड अदर इवेल्युएशन प्रोसीजर वाइल द कोर्स एंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इज इन प्रोग्रेस, दिस इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। एक और डेफिनेशन इसकी है, या ये बोल सकते हैं हम, टू ए करेक्टिव प्लान है मतलब, ठीक है, दिस इज अ करेक्टिव प्लान। करेक्टिव प्लान का क्या मतलब है? कि हम इससे करेक्शन करते हैं। तो छोटे छोटे टर्म्स आपको याद रखने हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। दिस इज अ करेक्टिव प्लान, ऑलराइट। चलिए, यूज ऑफ टेस्ट एंड अदर इवेल्युएशन प्रोसीजर व्हाइल द कोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज इन प्रोग्रेस इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरा, समेटिव असेसमेंट। अब हम फटाफट समेटिव असेसमेंट, सब कुछ इसका उल्टा हो जाएगा, ये छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, ये कम नंबर का था वो ज़्यादा नंबर का हो जाएगा, इसका यूज़, ठीक है, इसका यूज़ आपका रेमेडियल यानी डायग्नोसिस के लिए था, और इम्प्रूवमेंट के लिए था इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इन टीचिंग लर्निंग मेथड्स, जबकि जो हमारा समेटिव असेसमेंट होगा, समेटिव असेसमेंट में एकदम उल्टा हो जाएगा, उसकी अवधि ज़्यादा होगी, उसका मतलब जो प्रोसेस लंबा होगा, ठीक है, और वो साल में दो बार होगा, एक आपका हाफ ईयरली होता है, एक एनुअल होता है, पर्पज़ भी उसका चेंज हो जाएगा कि उसका नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है बच्चों को, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो सिंपल से शब्दों में, आसान सी भाषा में अगर आपको बताया जाए तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं? जो आपके नॉर्मल टेस्ट होते हैं, आपके क्विज होते हैं, ठीक है, साल के बीच बीच में आपका जो यूनिट टेस्ट क्विज वगैरह कराए जाते हैं, आपका कभी कभी ऐसे मास्टर आता है बोले एकदम आज चलो तुम्हारा बेटा सरप्राइज टेस्ट, एकदम सरप्राइज, बोले ये कब आएगा सरप्राइज, कहाँ से सॉन्ग द सरप्राइज भाई, सरप्राइज टेस्ट, दीज आर दी फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट आपका हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम एंड एनुअल एग्जाम जो होते हैं, दीज आर दी समेटिव असेसमेंट, ऑल राइट, यस, कॉमेंट बॉक्स में एकदम चालू रहिए, These are the summative assessments. I hope आपको सबको समझ में आ रहा है। चलिए next topic पे चलते हैं, वही summative assessment। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इसमें purpose change हो जाता है, purpose क्या होगा आपका next class में pass करना, इसका पर्पज़ क्या होगा? समेटिव असेसमेंट बहुत ज़्यादा पूछा नहीं है अभी तक, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हमने या आप भी देखोगे तो समेटिव असेसमेंट ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछता है, वो ऑप्शन में दिया रहता है सिर्फ, मतलब ऊपर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट मोस्टली जितने भी क्वेश्चन देखे फॉर्मेटिव असेसमेंट की प्रॉपर्टी देता है, बताओ ये कौन सा है, ऑप्शन में से एक ऑप्शन में समेटिव असेसमेंट देता है, बाकी फॉर्मेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है, उन दोनों में से कोई एक सही आंसर होता है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट अभी तक तो पूछा नहीं है, बट याद रखिएगा समेटिव असेसमेंट का पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ होता है टू प्रमोट द स्टूडेंट टू नेक्स्ट सेमेस्टर और नेक्स्ट सेशन,
नेक्स्ट सेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बच्चे ने एग्जाम दिया, उसके बाद पास हुआ, अगली क्लास में चला गया। दिस इज द पर्पज ऑफ समेटिव असेसमेंट। और मेरी वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है, एक बार प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करते चलिएगा, टू प्रमोट दी, ठीक है, स्टूडेंट, या टू पास अगली क्लास में उसको क्वालिफाई करना है तो। ऑल राइट, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चीज़, इसका टाइम कब होता है? टाइम यानी ये लिया कब जाता है? जैसे मैंने आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला, सेशन चल रहा है, बीच में चार पांच बार कितनी बार भी ले लिया, ठीक है। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट है वो कब लिया जाता है? आफ्टर एंड ऑफ सिलेबस। चार ऑप्शन मैंने दिए थे, ए बी सी डी, उसमें से कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन था ना शायद, तो आफ्टर एंड ऑफ सिलेबस। यानी जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट देते हो ना, सॉरी समेटिव असेसमेंट देते हो। सो इसका जो टाइम होगा, टाइम पीरियड, यानी कब लिया जाएगा? आफ्टर एंड ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, कल से ऐसे ही चलेगा अपना, कल से क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो कल से ध्यान दीजिएगा, क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पर्पस और टाइम समझ आ गया, बाकी ड्यूरेशन तो इसकी ज़्यादा होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट छोटा सा होता है, एक पीरियड में हो जाता है, 40 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में, ठीक है। लेकिन समेटिव असेसमेंट की ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है। अब ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बोल सकता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है नहीं समेटिव असेसमेंट से। ड्यूरेशन देखो, ये दो चीज़ें हैं, फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन। तो मेरे ख्याल से पूछेगा नहीं, बट याद रखना, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दो है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने फ्रीक्वेंटली हो रहा है, कितनी बार, बारंबारता, बार बार। कोई चीज़ बार बार हो रही तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मान लो एक साल में कोई चीज़ 10 बार हो गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 10 टाइम्स अ ईयर, साल में 10 बार। कोई चीज़ एक साल में 2 ही बार हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, यानी वो बहुत कम फ्रीक्वेंटली हो रहा है, ठीक है। आप जैसे मान लो रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम पे रील चलाते हो, कितनी बार? दिन के 50 बार, तो बहुत फ्रिक्वेंटली लगातार करते जा रहे हो। मतलब एक बार रुके, थोड़ी देर में दोबारा कर लिया, थोड़ी देर और रुके, फिर दोबारा कर लिया, तो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है, बहुत फ्रिक्वेंटली कर रहे हो उस काम को। पढ़ाई, पढ़ाई एक बार कर रहे हो, पढ़ाई बोले दिन में एक बार, वो भी कभी अगर मन कर गया, किसी ने जो है डांट वांट दिया कि बड़ा पढ़ क्यों नहीं रहा तू, है नहीं, कभी ऐसे अंदर से कुछ आग सी निकल गई, अरे यार नहीं, अब तो कुछ करना है जीवन में, एक दिन के लिए होता है बस, फिर पढ़ लेते हैं हम उस दिन, इतना ही पढ़ते हैं हम एक बार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है, कभी कभी हो रहा है वो, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, फ्रीक्वेंसी। समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन ज़्यादा हो रहा है? फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत बार होता है, तो इसकी कैब गिरी कहाँ चलेगी? फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत बार होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन समेटिव असेसमेंट की ज़्यादा है, ठीक है। ड्यूरेशन या फिर अगर क्या बोले, इसमें गैप भी ज़्यादा होता है। दो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बीच में गैप कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना, या बोलो मास्टर को कभी मन आए क्लास टेस्ट वगैरह ले लिया तो एक एक हफ्ते में हो जाता है फिर वो, ठीक है। और बाकी वैसे ओवरऑल ड्यूरेशन की बात करूँ, कितने घंटे चलता है? 1 घंटा चलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा। समेटिव असेसमेंट 3-3 घंटे चलते हैं। ओवरऑल ड्यूरेशन की बात करूँ, कितने घंटे चलता है? 1 घंटा चलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा। समेटिव असेसमेंट 3-3 घंटे चलते हैं, ठीक है। आवाज़ तो ठीक आ रही, आवाज़ ठीक आ रही, थोड़ा सा वीडियो जिटर कर रही है। ठीक है, चलिए। सो लेट अस कंक्लूड दिस सेशन। और कंक्लूड करते हुए हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ हम लिख लेंगे, उसके बाद इसको हम कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो समेटिव असेसमेंट की हाई एक और इम्पोर्टेंट चीज़, समेटिव असेसमेंट जो होता है आपका,
बार बार देखना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो प्रॉब्लम कर रहा है आज। समेटिव असेसमेंट का जो होता है आपका कि कितने तरीके से जो है असेसमेंट किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है, तो आपके पास तीन मेन तरीके हैं, ठीक है। एक तो बच्चा खुद से देखता है कि यार मेरे जो है नंबर इसमें ख़राब आ रहे हैं, उसमें ख़राब आ रहे हैं, है नहीं। जब भी रिजल्ट आता है तो क्या करते हैं हम, एक बार इवेल्युएशन कर लेते हैं खुद से कि यार मेरे ना इसमें कम नंबर आ रहे हैं, अगली बार जो है मैं इसमें बहुत मेहनत करूँगा, आज रात से भाई जो है पढ़ाई शुरू, अगले साल से पढ़ाई शुरू, 1 जनवरी से बिल्कुल हम पढ़ाई शुरू। जैसे बाहर ये देखो चालू हो गया, अब इनका फिक्स टाइम है पता, मेरी क्लास, बोले क्लास चालू हो गई भाई साहब आओ, सारे गैंग बना के आ जाओ, हल्ला करना शुरू कर दे। अरे भाई रुक जाओ थोड़ी देर, क्या है। तो पहला फॉर समेटिव असेसमेंट कैसे होता है, समेटिव मतलब एक तो सम आप समझ लो, सम मतलब कुछ चीज़ों का सम, ओवरऑल टोटल, ठीक है, टोटलिटी में हो रहा है। तो पहला सेल्फ, बच्चा खुद से करता है इवेल्युएशन कि यार जो है मेरे इतने ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं, जो है मैं बर्बाद हो गया, है नहीं। तो सेल्फ, यार नया नया लिया है इसमें मार करके इंक विंक लग जाएगी खाली। और दूसरा टीचर, ठीक है, टीचर तो करेगा ही, ठीक। और कभी कभी उनका पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का मतलब क्या है कि जो दोस्त यार होते हैं, ठीक है, वो भी, और हम एक तरह से फैमिली को भी इसमें ले सकते हैं अगर ओवरऑल टोटलिटी में देखा जाए। तो पीयर ग्रुप में वैसे तो आपके आसपास के दोस्त लोग ही आते हैं जो कि आपके हम उम्र, ठीक है, आपके साथ के जो हैं, दे आर नोन एज द पीयर ग्रुप। लेकिन अगर आपको इवेल्युएशन के टर्म्स में देखना है तो बेल्ट कौन मारता है दोस्त, थोड़ी बेल्ट तो पापा मारेंगे, है नहीं, ताने कौन मारेगा, मम्मी मारेगी। तो वो भी इवेल्युएशन तो करेंगे कि बेटा तेरे पिछले बार इतने आए थे, एल बेल्ट बेल्ट, ठीक है। फिर पिटाई रिव्यू होता है जो है तन्मय बैठ के चैनल। सो दिस इज हाउ द समेटिव असेसमेंट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, या 3 अलग अलग तरीके से कैसे होता है, ठीक है, सेल्फ, टीचर और पीयर ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कुछ नहीं, बस इसको कंक्लूड करते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस एक टेबल के फॉर्मेट में बना लेंगे। टेबल में आप हेडिंग डाल लीजिए, एक साइड लिखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक साइड लीजिए समेटिव असेसमेंट, और इस साइड लिखिए फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहले आएगा आपके पास पर्पस, पर्पस लिखो, या फिर ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, ऑब्जेक्टिव जरा हाई क्लास शब्द है, नहीं, ऑब्जेक्टिव सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो टेबल जो मैं बना रहा हूँ इसको पूरा आप बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लैग कर रहा बट कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या बोला हमने, ठीक है, जो नॉर्मल डायग्नोसिस और उसका इवेल्युएशन, ठीक है, यानी उसका रेमेडी, उसका रेमेडियल, ठीक है, जो टीचिंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मेथड्स में आप इम्प्रूवमेंट, आप लिख सकते हो इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग मेथड। ठीक है, शिक्षण अधिगम, लर्निंग को अधिगम, ठीक है, शिक्षण अधिगम विधियों में सुधार, वाह। समेटिव असेसमेंट की बात करें तो इसका पर्पस क्या होता है, और इसका पर्पस होता है उसको पास आउट, बच्चे को जो है स्कूल से निकाल देना बाहर, निकालना मतलब फेल हो गया तो निकाल दो, पास हो गया तब भी अगली क्लास में भेज दो, अगले स्कूल में भेज दो, ठीक है। तो इसका मतलब है टू प्रमोट, ठीक है, प्रमोट द स्टूडेंट टू नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट सेमेस्टर। इसके बाद प्रमोट करना है, प्रमोशन लिख सकते हो आप, ठीक है, सिंपल प्रमोशन लिख दो, प्रमोशन, प्रमोशन तो होता ही है, क्लासिफिकेशन भी आप बच्चों का करते हो, ठीक है, कौन जो है ज़्यादा अच्छा है पढ़ने में, कौन क्या है, इस तरह से। दूसरा इसमें क्या करते हो आप, चलो इसी के अंदर आ गया, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव तो हो गया, और मैंने क्या बोला इसकी फ्रीक्वेंसी, अब मेरा ब्लैक मार्कर कहाँ गया, दूसरा मैंने क्या बोला इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, कितनी बार हो रहा है, तो इसकी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ये चीज़ नोट कर लेना, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ क्या है इसका मतलब, कौन कितनी बार हो रहा है, जो जितनी ज़्यादा बार उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी फॉर्मेटिव असेसमेंट, लो फ्रीक्वेंसी समेटिव असेसमेंट। तीसरा ये किस टाइप का है, दिस इज अ कंटिन्यूस, दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, प्रोसेस या फिर कंटिन्यूस इवेल्युएशन, इवेल्युएशन हो गया तो,
एंड दिस इज अ वन टाइम इवेल्यूएशन, ठीक है, दिस इज अ वन टाइम इवेल्यूएशन कॉन समेटिव असेसमेंट। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, छोटी मोटी चीज़ें और लिखना चाहो, जैसे ड्यूरेशन लिख लो। और कई बार फॉर्मेटिव असेसमेंट अपने ही स्कूल के अंदर होता है, समेटिव असेसमेंट में भी बाहर भी हो सकता है, ठीक है, यानी आप जैसे बोर्ड देने जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम देने, ठीक है। ड्यूरेशन इसकी कम होती है, ठीक है, लेस ड्यूरेशन, इसकी ज़्यादा ड्यूरेशन, ठीक है, इसकी कम होती है ड्यूरेशन, इसकी ज़्यादा होती है अधिक ड्यूरेशन, यानी अवधि, ठीक है, कितनी देर चल रहा है पेपर जो है, अवधि 3 घंटा या 1 घंटा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया उद्देश्य, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया बारंबारता, कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और क्या बचता है इसमें, कोई और चीज़ बचती है, ये कब होता है, ये आपका ड्यूरेशन लिख दिया, इसका टाइम आप लिख सकते हो, टाइम यानी समय, समय मतलब ये कब होता है, किस टाइम पर होता है, ठीक है। ये आपका थ्रू आउट द सिलेबस होता है, थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द कोर्स, यानी मान लो आप जो है 12th कर रहे हो, तो जब तक आप 12th में रहोगे तब तक पूरा होता रहेगा, लेकिन ये जो है एंड ऑफ द कोर्स, आपके पढ़ाई के ख़त्म होने के बाद होगा, जब आप 12th की पढ़ाई पूरी कर लोगे तब आपका समेटिव असेसमेंट होगा। टेबल बना लेना, ठीक है, कंटिन्यूस इवेल्यूएशन, वन टाइम इवेल्यूएशन, ये किस में लिखोगे, फ्रीक्वेंसी में लिख लो, चलो पहला हाई फ्रीक्वेंसी, दूसरा ये, दो पॉइंट लिख लो इसमें, कितने पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये फ्रीक्वेंसी वाला, चौथा पॉइंट ड्यूरेशन, पांचवा पॉइंट समय किस टाइम पर होता है। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई और चीज़ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक है। अब इसके रिजल्ट का इस्तेमाल कब होता है, आप लिख सकते हो एक कि रिजल्ट का इस्तेमाल कब करेंगे हम, कि यूज़ ऑफ रिजल्ट, यूज़ ऑफ रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका उपयोग क्या लिखोगे इसमें। फॉर्मेटिव असेसमेंट, यस, कोई डाउट होगा प्लीज़ पूछते रहिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट के रिजल्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, फॉर डायग्नोसिस लिख दो, ठीक है, समस्या का पता लगाने में, फिर उसका समाधान करने में भी, एंड समाधान में भी लगाएंगे, ठीक है, समाधान बोले तो रेमेडियल, रेमेडियल क्लास होते हैं ना, एक्स्ट्रा क्लास चलती है, रेमेडियल, रिमेडियल क्लास, रिमेडियल क्लास होते हैं हमारे टाइम, बोले कहाँ जा रहा, बोले रिमेडियल है मेरे, रिमेडियल, कोई पता नहीं क्या है रिमेडियल, ये होते हैं रिमेडियल, ठीक है। ये कैमरे से आउट ऑफ जो है नेटवर्क कवरेज एरिया चला गया है, ये लिखा है इसका नीचे मैंने, देखिए फॉर डायग्नोसिस एंड रिमेडियल, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, समेटिव असेसमेंट, इसका क्या पर्पज़ है या इसका यूज़ क्या होगा रिजल्ट का, फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का एक और मतलब वो करते हैं ना कभी कभी, कि बोले ये जो है ये बच्चे जाएंगे साइंस में, ये जाएंगे आर्ट्स में, ये कॉमर्स में, उसमें भी इतना गंदा सिस्टम कि बोले जिसका सबसे कम नंबर आया उसको साइंस मिल ही नहीं सकती, क्यों नहीं मिल सकती भाई, है नहीं, तो मतलब ठीक है, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर सक्सेस, कभी कभी इसमें भी कर लेते हैं कि बोले प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर सक्सेस, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर सक्सेस, अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होता है कि नहीं होता है, ये सब तो बाद की बात है, ठीक है, लेकिन प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर सक्सेस का मतलब समझो, काफ़ी गहरा मतलब है, कि बच्चे के जब 10th 12th में आप बोर्ड के एग्ज़ाम देखोगे तो आप वहीं से उसकी जो है लाइफ डिसाइड कर देते हो, कि ये आगे लाइफ में क्या करने वाला है, जो कि काफ़ी डिबेटेबल चीज़ है, और काफ़ी हद तक बोलूँ तो सही नहीं है कि हम किसी एक क्लास में बच्चे के जो मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर उसका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर दे रहे हैं, कि ये आगे जाकर अपने जीवन में क्या करने वाला है। वो चीज़ सुनी होगी आपने, पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, सुना है कि यार आप
एक रिजल्ट आया आपका, उससे आप किसी का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा ये बोर्ड एग्ज़ाम में होता है कि बोले बोर्ड में अगर इसका टॉपर बन गया, वहाँ नाम आ गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो वो तो एकदम जो है भगवान बन जाता है, पूरे इलाके में ऐसा काइंड ऑफ पूजा जाता है कह सकते हो आप, है नहीं? पेपर में नाम आ गया जो है, खतरनाक ही जो है, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दी। तो मतलब ठीक है, बट इस तरह से हवा इस चीज़ का नहीं बनाना है कि हमारे, मेरी आज एक से बात भी हो रही थी उस बच्ची के, 10th के बोर्ड थे, तो मुझे बचपन में ये लगता है ना कि यार बचपन में उसे लगा था, मतलब मेरी जब उससे बात हो रही थी, तो मैं आपको रियल लाइफ किस्सा बता रहा हूँ, ठीक है? तो आज ही हुआ था मेरे साथ, मतलब कि जो बच्ची थी उसने मेरे से, मतलब उसने बोला कि उसके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो वो बोली कि 10th के बोर्ड है मेरे, अगर मेरे अच्छे नंबर आ गए तो मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी। तो ये परसेप्शन होता है बच्चों में, या जब हम भी बच्चे थे तो हमें भी ये लगता था कि अगर अच्छे मार्क्स आ गए, है नहीं, तो आगे चलकर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी जल्दी नौकरी लग जाएगी, और 10th 12th के जो मार्क्स होते हैं उसी के बेस पर हम पूरा फ्यूचर अपना डिसाइड करते हैं। लास्ट पॉइंट जो हमने लिखा है, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर सक्सेस, यानी फ्यूचर में हमें सक्सेस मिलेगी कि फेलियर, इस चीज़ का वहीं पर डिसीजन हम ले लेते हैं कई बार, जो कि काफ़ी हद तक, काफ़ी मायनों में गलत है। और उस बच्चे के मुँह से ये चीज़ें सुनकर मुझे लगा कि हाँ, बचपन में हम भी तो ये सोचते थे। तो मैंने उसको बोला कि बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है, असलियत बड़े होकर पता चलती है, तब टॉपर और जो है तुम्हारे टॉपर, बैक बेंचर, जितने भी क्लासिफिकेशन है, ये सब एक ही हो जाते हैं बाद में, सब उसी रेस में, उसी कंपटीशन की रेस में भाग रहे हैं, और वही जीवन की दौड़ में सब एक साथ दौड़ रहे हैं। आगे चलकर सबकी लाइन, स्टार्टिंग लाइन जो है एक समान हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है? और रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होते हैं, वो मेरा ऐसा मानना है, और कई बार बोला भी जाता है कि बैक बेंचर्स ज़्यादा ले पाते हैं इन कंपेरिजन टू टॉपर्स, क्योंकि टॉपर्स का ध्यान उस मोमेंट पर होता है कि मुझे जो है पढ़ाई करनी है, टॉप करना, बस इतना ही उसका मेन गोल है। बाकी जो अदर स्टूडेंट्स जिन्हें कि बैक बेंचर की उपाधि मिली हुई है और बैक बेंचर्स के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो और अब्दुल कलाम जी ने भी तो कहा है ना कि बैक बेंचर्स, जो बैक बेंचेज होते हैं वहाँ पर ब्रिलियंट ब्रेन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर सक्सेस जो हमने पॉइंट लिखा है, ये प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर सक्सेस कई बार किया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक गलत है। और बट दिस इज़ अ फीचर ऑफ समेटिव असेसमेंट, जब आपका एग्ज़ाम में आएगा कि समेटिव असेसमेंट का ये फीचर है, तो जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है? इसमें ये नहीं करना कि और नहीं, नहीं, फ्यूचर सक्सेस कैसे कर सकते हैं। और एक और चीज़ लिख सकते हो आप, प्रोवाइड्स दी ओवरऑल टीचिंग लर्निंग रिजल्ट, ओवरऑल टीचिंग लर्निंग रिजल्ट, जो समेटिव असेसमेंट होता है वो एक ओवरऑल रिजल्ट दे देता है आपको, ठीक है? ओवरऑल टीचिंग लर्निंग रिजल्ट दे देता है समेटिव असेसमेंट, जबकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें टाइम टाइम पर चेंजेस करने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो ये 5-6 पॉइंट हैं जो आप नोट कर लीजिए इनको। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों का, ठीक है? दूसरा पॉइंट, क्या फ्रिक्वेंसी है और कब कब होता है। चौथा पॉइंट, इसका ड्यूरेशन। पाँचवा पॉइंट, इसका टाइम, ये कब किया कराया जाता है। और छठा, इसका यूज ऑफ रिजल्ट। अब आपका अगर मान लो एग्ज़ाम में आया, आपको ज़बरदस्ती पॉइंट बढ़ाने हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मेरा एग्ज़ाम में आया था बीएड में, मैंने इतना समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट तो पता ही होता है ना, टेस्ट, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बाकी टेस्ट हो रहे हैं, समेटिव असेसमेंट, तो मैंने ऐसे लिख दिया था उसमें कि जो है जिसमें कम टीचरों की ड्यूटी लगती है उसमें ज़्यादा टीचरों की ड्यूटी लगती है, या अपने स्कूल में होता है, बाहर के स्कूल में होता है, तो ऐसी चीज़ें भी अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो कितने बढ़ा सकते हो, ठीक है? सो दिस इज़ इट फॉर टूडेज़ क्लास। आई होप आपको एकदम डिटेल में, हमने जितना डिटेल में जा सकते थे उतना डिटेल में जाने की कोशिश की, दोनों फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, इससे ज़्यादा डिटेल में मेरे ख्याल से आपको करने की ज़रूरत इसको नहीं है, और होगा भी नहीं, इससे ज़्यादा डिटेल में क्या कर लोगे भाई। यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके जो जो फीचर होते हैं अपने आपने बचपन से लेके देखा है कि यूनिट टेस्ट में क्या क्या होता है, वो सब फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ गया। क्लास टेस्ट में क्या होता है, ठीक है? समेटिव असेसमेंट में क्या क्या हो सब आपका,
जो आपको फाइनल एग्ज़ाम होता है उसके सारे प्रॉपर्टीज समेटी असेसमेंट में आ गई, तो बस इतना ही है। ठीक है, सो आई थिंक आई शुड नाउ कंक्लूड दिस सेशन एंड आई होप यू लाइक इट। थोड़ा सा वीडियो में हमारा नेटवर्क का इशू है, बट वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई इज एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग सेशन, दिस ब्यूटिफुल सेशन ऑन समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। कल से हम PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके पेडागोजी के भी शुरू कर देंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप क्लासेस को शेयर करते अपने दोस्तों के साथ। ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे। क्लास पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे आने वाले जितने भी क्लासेज हैं सब के आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।